एक पंडित जी को बहुत दिनों तक कोई काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, अच्छा महाराज, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे बिल्कुल भुला ही दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध तक नहीं किया है, शायद उसी लिए वे दुखी हैं। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, उसमें विलंब की क्या बात है। पंडित जी ने भी दाव खेला। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी कपड़े भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिताजी को जो चीजें पसंद थी वे सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वैसा ही करना। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। उसी प्रकार कड़क आवाज में जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया और बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया, घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया। पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा न ताव, एक तगड़ा हाथ जाट के कनपटी पर जड़ दिया, बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लो, बाद में श्राद्ध का काम करूंगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ा कि एक मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ाकर बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर एक तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें दो मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात भूसे से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें मारते उतनी लातें जाट की भी खानी पड़ती। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का भूसा बढ़ता उसी जगह पर पलट कर जाट भी उन्हें भूसे भर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नतीजा यह हुआ कि बात पर फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा बटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को वहां से भागना ही पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने उसका कारण जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छे से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा न होता
तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने अपना काम पूरी श्रद्धा से किया था और मैंने भी जोर शोर से उनका साथ दिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल तो मुझे रहा ही नहीं। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर देकर आओ, वरना श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े से थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, तो वहां से लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उन्होंने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था, दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों उठ खड़े हुए, गुस्से से मुट्ठियां तन गईं, दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम तो बहुत ही मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो तुम्हें मालूम होता कि दक्षिणा देना कितना कठिन कार्य है। पर चलो, सब काम ठीक प्रकार हो गया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।